का लॉन्ग फॉर्म क्या है? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। Once upon a time, there was a teeny tiny woman who lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. चुपचाप खड़ा रहो। आप लोग कौन हैं? और क्या कर रहे हो? जैसे पेपर में हेडलाइन वाचा ची। एक मामूली सा स्कूल टीचर बॉम्ब ब्लास्ट में गिरफ्तार। टीवी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इतना पता है तो भी बोल रहे हैं कि तुझे कुछ पता नहीं? सच्ची बोल रहा हूँ, मैं अपने घर पे था सर। देखो है, जल्दी से ना सच बोल दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो फिर से आपको उठा लेंगे। तीनों केसेस में कुल 43 लोगों को पकड़कर मकोका लगाए ये लोग। अरे कुछ नहीं किया हमने। जो तूने देखा है सुना है, बाहर किसी को बोलने का नहीं। यू खामोश कब तक बैठे रहेंगे? हमें भी उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। शायद भाई दे रहे, उनको किसी ने गोली मार दी। देखो इधर देख, किधर है अब्बू? सच, सच्चाई, ये ना एक रोग है, उसकी दवा एक ही है, उम्मीद। वाहिद, कब तक शिकायतें करेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। असल में शेक्सपियर ने गलत कहा था कि नाम में क्या रखा है, लिहाजा हमारे सहाफ़ी दोस्त ने वसीम अकरम त्यागी साहब ने अपने मौजू में कहा था कि नाम में ही बहुत कुछ है। आज भी हज़ारों मुस्लिम नौजवान जेल की सलाखों के पीछे बंद है। जुर्म को मजहब के नाम पर तोड़ना और इस पर फैसला सुनाने की आदत ही अब यहाँ की इंतज़ामिया हो या अदलिया को पड़ी हुई है। खैर, अब जो जुर्म से पहले ही साजिश के नाम पर गिरफ्तार कर लिया जाए, इस पर भी हमने बारहा तबसरा किया हुआ है। एक बार फिर इस पर तबसरा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आज के दौर में बेगुनाह कैदियों पर बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है। मतलब क्या पुलिस गलत थी या फिर अदलिया गलत, और अदलिया पर सवाल उठाना हो या फिर देश विरोधी साबित हो सकता है। आज मौजू कुछ अलग है। बेगुनाह कैदी जिसका महज नाम मुसलमान होने पर कैसे 9 साल कैद खाने की सख्त अर्जियों से गुजरना पड़ा और सहना पड़ा, अब्दुल वाहिद शेख की एक कहानी है। सैकड़ों कहानियां हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं। भारत में कर्ज से मुसलमानों के खिलाफ साजिश चली गई, मुसलमानों को मुजरिम बनाने के लिए एक नैरेटिव चलाया गया। आपको फिल्मों में अब्दुल मुजरिम ही दिखाया जाएगा, मोहल्ले का गुंडा आपको पठानी लिबास में ही दिखाया जाएगा, टीवी सीरियलों में अब्दुल नौकर ही रहेगा या फिल्म का आखिरी किरदार होगा। फिर मुसलमानों को स्मगलर दिखाने का दौर भी शुरू हुआ, अंडरवर्ल्ड का डॉन हमेशा मुसलमान दिखाई जाने लगा। फिर इस्लामी दहशतगर्दी का दौर आया, फिर इस्लामी दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करने लगे, फिर मुसलमानों को देशद्रोही पाकिस्तान हिमायती साबित करने का वो एक अलग नैरेटिव चलाया गया। दरअसल इख्तदार के लिए धमाके हुआ करते थे। मालेगांव धमाकों में कौन किसका हाथ था सभी जानते हैं। हेमंत करकरे जैसे इंसाफ पसंद पुलिस अफसर पर किन लोगों ने गोलियां दागी और कैसे संघी विचारधारा के लोगों ने रास्ते से हटाया, इस पर भी काफी चर्चा हुई है। खैर, आज जब हर तरफ हिंदू मुस्लिम का तमाशा रोजाना जारी है, मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा सुबह शाम किया जा रहा है, कश्मीर फाइल्स के नाम पर नफरत फैलाने वाले फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है और वो भी सरकारी तौर पर इसे फरोख दिया जा रहा है, ऐसे वक्त में बेगुनाह कैदियों पर कोई फिल्म बनाने की जरूरत करे ये भी बहुत कुछ है। खासकर सिमी के नाम पर, आपको ये नाम काफी जाना पहचाना होगा। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक तहत तंजीम चलती थी जिसे सिमी के नाम से जाना जाता था। सिमी के नाम से सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को 4 साल से लेकर 14 साल तक जेलों में रखकर इनकी जिंदगियों को बर्बाद किया गया। बेलगाम, हुबली, बैंगलोर, बीजापुर, गुलबर्गा के तालीमी याफ्ता नौजवानों को दहशतगर्द के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह बंबई के स्कूल टीचर अब्दुल वाहिद शेख को बंबई 2006 में हुए ट्रेन ब्लास्ट केस में गिरफ्तार कर लिया था। यह फिल्म महज अब्दुल वाहिद शेख जो पेशे से उस्ताद यानी टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, इन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की ही नहीं है बल्कि कैसे एक जिंदगी
झूठे मुकदमों के बाद जहन्नम बन जाती है। इनकी बीवी बच्चे वालिदैन कैसे आजमाइश की राहों से गुजरते हुए क्या कैफियत होती है। हेमोलिम्फ नाम की यह फिल्म है। हेमोलिम्फ कुछ अजीब नाम फिल्म का लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। एक छोटी सी चींटी जिसे आसानी से कुचल दिया जाता है, लेकिन उसका भी खून टपकता है, उसे ही हेमोलिम्फ कहा जाता है, लेकिन किसे वो खून टपकता हुआ नजर नहीं आता। एक आम इंसान की जिंदगी कैसे चींटी की तरह फर्जी मुकदमों में कुचल दी जाती है, मसल दी जाती है, जिसका एहसास ना तो इंतजामिया को होता है और ना ही इस माशरे को होता है। आज हमने इसी फिल्म के डायरेक्टर और जेल में बेगुनाह कैदी बनकर 9 साल गुजारने वाले अब्दुल वाहिद शेख और फिल्म के डायरेक्टर सुदर्शन गमरे से बात की। अब्दुल वाहिद शेख ने मुस्लिम माशरे पर सवाल पूछने पर सपोर्ट मिलने की तो बात कही, लेकिन जब हमने रियासत कर्नाटक में मुख्तलिफ शहरों का जायजा लिया, जब मुस्लिम माशरे का रद्दअमल कुछ और ही पाया, हमने देखा कि मुसलमान अगर कोई फर्जी मुकदमे में जेल चला जाता है, यानी कि इस तरह के दहशतगर्दी के इल्जाम में उसे जेल भेज दिया जाता है, तो इसे अछूते की तरह बर्ताव किया जाता है। इसकी मिसाल बेलगाम शहर में भी देखने को मिली है। खैर, आज इस फिल्म के जरिए अब्दुल वाहिद शेख, जिन्होंने जेल से बाहर निकलकर बेगुनाह कैदी नाम की किताब लिखी, जिसे डॉक्टर यूसुफ चौधरी ने अंग्रेजी में तर्जमा भी किया है, हमारे पास मौजूद है। लिहाजा इस जुमा मुस्लिम नौजवानों पर बेवजह सिमी के फर्ज मुकदमात में सालों साल जेल में रखने वालों पर हेमोलिम्फ नाम से एक हिंदी फिल्म रिलीज हो रही है। इस फिल्म में अब्दुल वाहिद शेख का किरदार फिल्म अदाकार रियाज ने बखूबी निभाया है। हमारी इनसे भी बात हुई है। हम गुजारिश करते हैं कि जब झूठ पर मुबनी और नफरत को फरोग देने वाली फिल्में करोड़ों का कारोबार कर रही है, तो सच्चाई पर बनी और सच्चाई पर मबनी फिल्में देखने में हर्ज क्या है। फिल्में किसी तरह के फहस सीन नहीं है। इस फिल्म को इसलिए भी देखा जाए कि सीमी के नाम पर तकरीबन मुल्क के हर शहर से नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था और फिर जिंदगियों को कैसे तबाह किया गया। बेलगाम के तकरीबन 12 अफराधों के साथ भी हुआ है। सीमी के नाम पर हिंडलगा जेलों में रखा गया था। लिहाजा इस फिल्म के जरिए किस तरह बेगुनाहों के साथ मुजरिमाना रवैया अख्तियार किया जाता है, लिहाजा इस फिल्म के डायरेक्टर सुदर्शन गमरे के साथ बात करते हैं और पूछते हैं कि इस मौजू पर फिल्म आखिर कैसे बनाई गई और इनके क्या तजर्बात रहे। आज खास मेहमान हेमोलिम्फ के डायरेक्टर सुदर्शन गमरे और अब्दुल वाहिद शेख से बात करते हैं। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे चैनल पर आए, हमारा आपने इस सर मेरा सवाल ये है, सबसे पहले आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में खासकर मुस्लिम समाज के नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में बारहा कई सैकड़ों नौजवानों को जेलों में डाला गया और इस सब्जेक्ट को आपने लिया, जबकि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क भर में किस तरह का माहौल है और आपने ये सब्जेक्ट लिया है। अब्दुल वाहिद शेख जो 9 साल जेल में रहे, फिर उन्होंने उनकी किताब भी बेगुनाह कैदी पर इतना आपने जो सीरियस ले, एक तरह का रिस्क नहीं लगता आपको कि आपने जो इस सब्जेक्ट पर बात की और इस पर सब्जेक्ट को आवाम के सामने लाने की कोशिश की? सर दरअसल सवाल रिस्क का नहीं है, सवाल सच का है जी। और सवाल सिर्फ मुसलमान भाइयों का नहीं है, सवाल मेरे साई भाई सारे भाइयों का है जो मेरे भाई लोग जेल में बिना वजह सड़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अभी मेरे को मेरी छानबीन में मेरी खोज में मेरे को अब्दुल वाहिद जी सामने आए, जिनकी कहानी मेरे को छुई, इसलिए मैंने ये काम किया है। अच्छा, ठीक है। ये फिल्म इसलिए बन रही है क्योंकि ये किसी इंसान के नाते हम फिल्म बना रहे हैं, ठीक है। और जहां तक सवाल है मतलब मुसलमान भाइयों का या फिर किसी का, तो भाई ये तो आप सभी को दिख रहा है कि चीजें किस तरह से हो रही है, कैसी हो रही है। सो मेरा कर्तव्य ये था कि चाहे कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या फिर कोई भी अन्य जाति का हो, अगर उसे का बुरा हुआ है तो बुरा हुआ है, और इसीलिए हमने कहानी को चुना है आगे जाके। नहीं, एक तरह का आपने अगर पूरे मुल्क में पिछले कई सालों से आपने देखा होगा, एक समाज को निशाना तो बनाया जा रहा है। अगर वो मुसलमान है तो वो फिर दहशतगर्दी के जमरे में आता है, अगर वो दूसरा है तो फिर हो सकता है वो हनी ट्रैप में फंसा हो या तो वो इनोसेंट है, उसको वो गुमराह हो गया। आपने देखा होगा कि कई सारे जो है भाजपा के और हिंदुत्ववादी भी ये जो किसी पक्ष का नाम नहीं लोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं ये क्योंकि माफ कीजिए जी, मैं ये कह रहा था हम सिनेमा बना है, सिनेमा किसी पक्ष का किसी चीज का नहीं है, सिनेमा हर किसी के लिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि एक समाज को सिर्फ नाम की बुनियाद पर कि कई सालों तक जेलों में रखा जाता है,
तो आपने इस सब्जेक्ट को हाथ रखा, आपके लिए तो कोई अब्दुल वाहिद की जगह कोई और होता तो भी फिल्म बनती थी, ये बात अपनी जगह पर, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की एक जुरत जो आपने इस दौर में की है, मेरा सवाल ये है सर, आपने ये हिम्मत कहां से जुटाई? हिम्मत देखो, सच्चाई को बताने के लिए हिम्मत नहीं लगती, आपका जज्बा लगता है जी, ठीक है ना, तो जज्बे के साथ हमने काम किया है। मैंने फिर से एक बार दोहराऊंगा, इस अगर वाहिद की जगह कोई और होता तो फिर भी हम यही करते थे जी, जी। हमें करना हमारा फर्ज है एज अ भारतीय, एक देशवासी के नाते हमारे देशवासियों की किसी भी इंसान के साथ अगर कुछ गलत होता रहेगा और वो हमारे दिल को छूता रहेगा तो उसकी जाति धर्म नहीं देख सकते हम, हमें उस कहानी को आगे लाने की जरूरत है। सर कई नौजवानों को जो है जेल में रखा गया, फिर बहुत सारे बेगुनाह लोग अंदर है, काफी गलत बात है, और इसके साथ जो भी सरकारें हैं या जो भी है कोई भी है अगर कुछ गलत कर रहा है तो गलत है। नहीं नहीं, इसके लिए तो किसी सरकार को जिम्मेदार, मतलब हर सरकार के दौर में ये हुआ है सर, वो कोई किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब बाहर आते हैं तो समाज उनको कबूल नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, तो समाज ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारे पास वाहिद जी का बड़ा गहरा, बहुत बहुत बड़ा गहरा उदाहरण है। आज वाहिद जी बाहर आकर जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस इंडिपेंडेंस से घूम रहे, ये हमारे संविधान की जीत है, विक्ट्री है, जिन्होंने ऐसे केस में होने के बावजूद भी उन्हें को जीने का हक दिया है। आज वो जिस तरह से काम कर रहे हैं इनोसेंट लेवल पीपल के लिए, जिस तरह से वो मतलब जिस पैशन से घूम रहे आज देश में बिना किसी डर के, वो अपने आप में बड़ी बात है, ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान की जीत है, इसे मैं कहता हूँ। देखो इतनी बड़ी केस के बावजूद भी वो आज हमारे साथ उठ के बैठ के काम कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? जी जी, क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक तरह से हिम्मत का काम किया है सर। मैं ये कह रहा हूँ, जब मुकदमे बन जाते हैं और जब बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो एक 8-9 साल का, 4 साल का अरसा कोई मामूली नहीं रहता, तो ये दाग जब लग, हम नहीं लौटा सकते। हाँ, वो लॉस है, तो ये पुलिस अफसरान पर कार्रवाई क्यों नहीं होती सर, इस पर क्या भी आपको? देखिए सिस्टम अपने हिसाब से चलती है जी, सिस्टम के अपने कारनामे होते हैं, है ना, तो जब सिस्टम के अपने कारनामे होते, जैसे आप अपनी फिल्म देखो तो आपको समझ में आएगा, सिस्टम का भी किस्सा यहाँ पे दिखाया गया है, ये वो तबका दिखाया गया है हमें, ठीक है ना। एक मिनट पॉज हुआ है सर। हाँ ओके, हाँ सही, अभी आ रहा है? आ रहा है। तो सिस्टम का अपना अपना उसूल है, वो अपने अपने हिसाब से चलते, उनके अपने अपने प्रेशर रहते, उस प्रेशर के हिसाब से वो लोग चलते, ये सारी चीजें जो है वो अपने अपने हिसाब से चलती है। और हमने फिल्म में किसी को पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये कहने से भी मेरे को महत्वपूर्ण ये लगता है कि जिस आदमी पर, जिस इंसान के साथ गलत हुआ है, वो शिद्दत से दिखना बहुत जरूरी है। हम कोई पक्ष या कोई हम जजमेंट नहीं दे सकते फिल्म के माध्यम से कभी भी सर। फिल्म और हम देना सर, फिल्म बनाते वक्त कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां क्या आई सर? कभी नहीं आई, कभी नहीं आवे हमारे, देखो जो भी पब्लिक डोमेन में चीजें अवेलेबल थी उनका अध्ययन कर लोगों से मिलकर हमने फिल्म करने की कोशिश की, और उसके बाद हमने शूटिंग चालू की, और उसके बाद आज खत्म हुई, आज लोगों के सामने फिल्म आ रही है, किसी भी तरह की कोई शिकायत हमको अब तक तो नहीं आई। सर हीमोलिम्फ ये रखने की वजह क्या, नाम इस तरह से? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने, हालांकि ये सवाल हमेशा पहले आता है आज थोड़ा सा देर से आया है। हिमोलिम मतलब चींटी का खून, हम जब चींटी को मारते हैं तो चींटी का भी एक खून निकलता है जो हमें दिखता नहीं, उसकी तरह समाज के निचले वर्ग के जो लोग होते हैं, इसी तरह समाज के निचले वर्ग के जो लोग होते हैं जिन्हें उचले वर्ग के द्वारा आसानी से चींटी की तरह कुचला जाता है, तो उनका बहा खून हमें दिखता नहीं, उसी बहे खून को हम इस फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं जी। जी सर, जी जिस तरह से आपने ये एक दहकते मौजू पर हाथ रखा है सर, तो आगे आने वाले फिर दिनों में आप फिर से इसी किसी मौजू पर इस तरह से फिल्म बनाने का आपका इरादा है? देखते हैं, आगे जिंदगी बहुत बड़ी है, कोशिश करेंगे अच्छा काम करने की, आप आशीर्वाद दीजिए बस जी। आप बेलगाम में भी हमारे आने, मैं तुम्हें दावत देता हूँ सर, बेलगाम में भी आकर आपका एक प्रीमियर शो। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें बहुत खुशी होगी वहाँ पर आकर काम करने की, बहुत बहुत जल्दी आ जाएंगे जी जी, ठीक है सर जी। ओके सर, मैं तो मतलब ये मेरे को बहुत पहले ही कहना था, बट आपने चिंता
डायरेक्ट सवाल पूछ दिया इसलिए रह गया। पहले तो मैं इत्तेहाद न्यूज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को मौका दिया कि दो शब्द अपने बारे में कहे, उसके लिए बिल्कुल मैं आपसे मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, मैंने चेक किया अभी सर आपके न्यूज के बारे में, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, जिस अवेयरनेस का आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और इत्तेहाद न्यूज से इसी तरह अच्छा काम आगे बढ़े, अच्छा काम करें, आप हमेशा सच्चाई को आगे लाए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ताकत की अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ। बस सर, शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अब्दुल वाहिद साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सबसे पहले तो आपकी हम हिम्मत की दाद देंगे, क्योंकि अक्सर हमारे जितने भी नौजवान हैं जिन्हें जेलों में डाला गया 4 साल से लेकर 11-12 साल तक, अभी हाल ही में 14 साल तक जो है कई सारे नौजवान गुजरात मुकदमे से बरी हो चुके हैं, लिहाजा आप पर जो फिल्म बनाई गई है हेमोलिम, इस ताल्लुक से आप थोड़ा बताइए, और दरमियान में आपने ये हिम्मत कहाँ से जुटाई, क्योंकि जेलों से आने के बाद लोग इस तरह की हिम्मत नहीं करते उमूमन। तो अब्दुल वहीद साहब आप हमारे से जुड़े हैं, सबसे पहले आपका खैर मकदम इस्तकबाल हमारे चैनल पर, बताइए कि ये आपने जो हिम्मत कहाँ से जुटाई है और आपके क्या तजर्बात रहे। देखिए, जेल में छूटने के बाद 2015 से मैं जो बेगुनाह इस केस में बंद है 12 साथी जो मेरे साथ जेल में रहे 9 साल, जिनको मैं जेल में मिला और जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि ये बेगुनाह है, तो उनके रिहाई के लिए हम कोशिश कर रहे थे। जेल से आने के बाद हमने जो है, आपको पता है, किताब भी इस केस पे लिखी गई है और इनकी रिहाई के लिए हम कोशिश कर रहे थे। हौसले की जहां तक बात है, तो मतलब इतना जुल्म सितम उठाया गया, बेगुनाह होते हुए जेल में डाला गया, बम ब्लास्ट केस में, दहशतगर्दी के मामले में, और जेल का टॉर्चर, पुलिस का टॉर्चर, तो कुरान के सहारे से और नमाज के सहारे से हमने हौसला पाया और हिम्मत नहीं तोड़ी, और यही कुरान और नमाज की सहारे से हमने जो है दूसरे बेगुनाहों के लिए कोशिश भी करना शुरू की। उसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मेरे पास आते रहे और मुझसे ये कहते रहे कि आपके ऊपर हम फिल्म बनानी है, आपकी स्टोरी बड़ी जो है इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और कई लोगों ने बात की लेकिन किसी ने बनाने की हिम्मत नहीं की। आखिर में सुदर्शन गमरे नाम के डायरेक्टर है जो बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने हमसे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हम आपकी लाइफ पर फिल्म बनाना चाहते हैं, आपके केस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आप पहले शख्स नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से और ना आखिरी है, इससे पहले भी कई लोग आते गए लेकिन किसी ने फिल्म बनाया नहीं, आप बनाइए, जरूर बनाइए, हमारी चाहत सबको है। फिलहाल उन्होंने रिसर्च की, कोशिश की और एक फिल्म जो है एम्बुलेंस के नाम से आपके सामने वो फिल्म बन के तैयार हो गई और 27 तारीख को रिलीज है। तो जेल से लेकर फिल्म का ये जो सफर है ये इस तरह से पूरा हुआ। नहीं, एक उमूमन हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि जेल से जो भी बाहर आते हैं तो पहले से ही ये माशरा मुजरिम करार देता है, आपके साथ क्या मामला था रहे इस तरह से सर? देखिए, एक मुस्लिम माशरे की जहां तक बात करेंगे तो मुस्लिम माशरा बहुत हद तक के इस मामले में क्लियर है कि बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा जाता है और बिला वजह उनको गिरफ्तार किया जाता है, और मुस्लिम माशरे में एक बात एकदम शरह सदर के साथ क्लियर है कि मुस्लिम नौजवान जो है दहशतगर्द नहीं है और वो जो है इस तरह के मामले नहीं करते। तो मुस्लिम माशरे ने हमको कभी भी जो है ठुकराया नहीं, बल्कि हमको हमारा साथ दिया है। जब मैं वालिद के इंतकाल के वक्त जेल से बाहर आया था तो उस वक्त भी लोगों ने मेरा वेलकम किया, मैं जब जेल में छूट कर बाइज्जत बरी होकर बाहर आया तब भी जो है लोगों ने मेरा वेलकम किया। तो मुस्लिम माशरे में कोई मसला नहीं, मसला गैर मुस्लिम माशरे में कुछ कुछ लोग ऐसा समझते हैं, या हम कह सकते हैं कि अक्सर लोग ऐसा समझते हैं कि इन्होंने ही किया होगा और वो जो है एक तरह से डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये तो जो है जेल में रहकर भी जो है ये पढ़ाई कर रहे थे, ये जेल में रहकर लॉ कर रहे थे, किताब लिखी, इन्होंने रिफॉर्म का काम किया है, तो बहुत हद तक के लोगों के अंदर क्लियरिटी आ रही है, लोग करीब आ रहे हैं। और अब देखिए, फिल्म जिसने बनाई है वो एक हिंदू शख्स है, सुदर्शन गमरे, तो उसने भी ये समझा है कि भाई वाकई वाहिद और उसके साथी बेगुनाह है और उनको फंसाया गया है, इस पर फिल्म बननी चाहिए, इसलिए उन्होंने फिल्म बनाई। तो इस तरह से माशरे के अंदर अलग अलग एक सोच है, कहीं कम कहीं ज्यादा। आप स्कूल टीचर रहे और स्कूल टीचर को इसमें मुलविस
किया, कई सारे आपकी गिरफ्तारी के बाद भी कहानियां बनाई गई, तो आप इसमें से कैसे देखते थे? उस वक्त आप पर क्या गुजरी होगी, घर वालों के ऊपर भी मामला रहे होंगे? ये सही बात है, मैं 99 से अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल जो है बॉम्बे के अंदर, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, मैं वहाँ में 1999 से मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद मुख्तलिफ मामले में पुलिस मुझे परेशान करती रही, क्या केसेस बना करके जेलों में डालती रही, तो मैं यही सोचता था कि मैं एक मामूली सा टीचर हूँ और पुलिस मुझे इस तरह परेशान कर रही है, जेलों में रख रही है, तो मेरे बच्चों का जो तालीमी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? और मैं अपने जो स्कूल के बच्चे हैं या जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनके बारे में सोचता था कि मेरे चले जाने की वजह से हो सकता है उनको दूसरा टीचर बाद में मिल गया हो, लेकिन जो बच्चों का अटैचमेंट मुझसे था, जो बच्चों का प्यार मेरे साथ था, वो बच्चे बहुत मिस करते हैं। और आज भी जब उनको पता चलता है कि सर जो है बाहर आ गए हैं और सर ने जो है किताब लिखी और सर पर फिल्म आए, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। एक बात क्या मैं आपको बताऊं, मैं जब जेल से कोर्ट आया करता था, एक दिन मैं कोर्ट आया तो एक जगह मैं बैठा रहा कोर्ट के किनारे, तो एक लड़का आया, नौजवान लड़का जो वकील था, और उसने आके कहा सर आप वाहिद सर है क्या? मैंने कहा हाँ। तो मुझसे गले पकड़ कर रोने लगा और कहा कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे पढ़ाया था और आप जो इस हाल में आपको देख करके, तहरी के हाल में देख करके मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, रोना आ रहा है। तो तालीमी नुकसान जो हमारे बच्चों का हुआ है उसकी भरपाई नामुमकिन है। जहाँ तक कि फैमिली का आपने पूछा है, फैमिली ने बहुत ज्यादा सफर किया है, खासतौर से मेरी बीवी ने, मेरे भाइयों ने, मेरे वालदेन ने, और मेरे जो ससुराल के जो रिश्तेदार है, मेरे साले साहब वगैरह, खालिद भाई का मैं नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने बहुत सफर किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। वो कोर्ट आते थे, वो हॉस्पिटल आते थे, वो कचहरी आते थे, और जो है उन्होंने वकील के ऑफिस करके खाना और जो चीजें हम चार्जशीट वगैरह किए, कोर्ट के पेपर्स मंगाते थे, वो चीजें पहुँचाना, खाना पहुँचाना, मतलब वो 9 साल जहाँ हम अंदर कैद रहे और 9 साल वो लोग मतलब ड्यूटी लगी रही, और उन्होंने हमारी बहुत कोशिश की, पैसे भी खर्च किया, वक्त भी खर्च किया, अपने जिस्म को थकाया भी, तो इस तरह से बहुत तकलीफों में उन्होंने गुजारा, और हम मतलब वाकई उनके उनका एहसान कभी अदा नहीं। अब्दुल वहीद भाई, उमूमन ये कहा जाता है कि क्योंकि हमारे साथ भी ये मामला पेश आया हुआ है, तो उमूमन ये कहते हैं कि लोग सबको छोड़ के आप ही को क्यों गिरफ्तार किए, क्यों पकड़ा गया, क्या वजह थी, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि भाई सबको छोड़कर आपको ही क्यों पकड़ा गया, तो मेरा उनके लिए जवाब ये रहता है कि जिस दिन आपको पकड़ा जाएगा तो आप पर भी यही सवाल उठेगा, सबको छोड़कर आपको ही क्यों पकड़ा गया। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, और सबको छोड़कर हमको जो पकड़ा गया है उसकी बुनियादी वजह है, जो हम समझते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने की वजह से जो है हमको एक पूरी दुनिया के अंदर जो है मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, और एक दहशतगर्दी का टैग लगा के हमको देखा जा रहा है। तो ये एक आलमी साजिश के तहत जो है मुसलमानों को दहशतगर्दी के केसेस को पकड़ना, उनको प्रोसिक्यूट करना, उनको कन्विक्शन देना, और उनको जो है बिल्कुल आइसोलेट करके किसी जेल के अंदर बंद कर देना जहाँ पे कोई मुकदमा नहीं चलता है। आप देखिए जो चैंपियन है पूरी दुनिया के, जो ह्यूमैनिटी के और ह्यूमन राइट्स की जो बात करते हैं, यूएसए वगैरह की तरफ मेरा इशारा है, तो उनका देखिए हाल क्या है कि बिना मुकदमा चलाए हुए गुआंतानामो बे और अबू करीब जेल के अंदर हजार मुस्लिम नौजवानों को बंद रखा गया कई साल 9-11 के हमले के बाद। तो ये तो सवाल पहला, इसका जवाब तो यही है कि मुसलमान होने की वजह से हमको निशाना बनाया गया। दूसरा ये कि हम मुसलमान होने के साथ साथ हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, हम नमाजें पढ़ते थे, हम रोजे रखते थे, हम जो है इस्लाम की बातें करते थे, हम इस्लाम का प्रचार करते थे, तो ये भी जो है बातिल को कहीं ना कहीं खटक रहा था, और इसीलिए जो है बातिल ने आज भी कई सैकड़ों नौजवान जेलों में बंद है जिनका पुरसान हाल नहीं है, कुछ एक तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन उमूमन ये भी देखा जाता है कि गिरफ्तार होने से पहले कम कोशिशें होती है, गिरफ्तार होने के बाद ज्यादा छुड़ाने की कोशिशें की जाती है। उन जो बेगुनाह जो कैदी, जैसा आपने किताब भी लिखी है, तो उन बेगुनाह कैदियों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? जी,
के बेगुनाह कैदियों के बारे में पहले तो 2006 और 2007 में जो है जमीयत उलमा ने पहली बार जो है एक फैसला लिया, तो बहुत अच्छा फैसला है, उनके शुक्रगुजार है, एहसानमंद है, और उन्होंने लीगल स्टैंड बनाया शाहिद आजमी के बोलने पर, वो सारी चीजें बनते हैं और उन्होंने जो है ये कदम किया। और टेरर रिलेटेड केसेस के अंदर जो मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार की रिहाई के लिए लीगल पैनल खड़ा किया, ये अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद की जमात इस्लामी आई, उनकी एपीसीआर है, रिहाई मंच है, और फिर जो है मुख्तलिफ छोटे मोटे पैमाने पर लोगों ने कोशिश की। तो हमारा मानना यह है कि जो भी काम अभी हो रहा है वो और ज्यादा बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और भी दूसरे लोगों को, दूसरी एनजीओ को मिलकर के काम करना चाहिए। जो बेगुनाह कैदी या बेगुनाह मुसलमान जेलों में है उनके लिए तो बस ये है कि वो जो है पछताना छोड़े और सब्र करें, और जो भी लीगल उनको असिस्टेंट दिया जा रहा है वो उनको पहुंचाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द रिहा हो। और वो अंदर बैठकर जिस तरह से हमने रिफॉर्म का काम किया है, तालीमी हमने लियाकत को बढ़ाया, हमने जर्नलिज्म किया, हमने LLB किया, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हमने एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेस किए, तो मेरा ये कहना है कि जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद है वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और पढ़ाई की तरफ जो है तवज्जो दें और रिफॉर्म की तरफ जो है तवज्जो दें। मेरा इत्तेहाद चैनल जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अच्छे अच्छे मौजू पर जो है उनका भी और उनकी न्यूज वगैरह आ रही है, बहुत अच्छी बात है। मेरा पैगाम यही है कि ये जो फिल्म आ रही है 27 तारीख को, ये मेरी स्टोरी नहीं है सिर्फ, बल्कि हर उस नौजवान की स्टोरी है जो किसी ना किसी मुल्क में बेगुनाह फंसाया जाता है, लंबे अरसे तक जेल में रखा जाता है, उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, और उसके बाद जो है वो कई सालों के बाद रिहाई से बरी होकर आता है, लेकिन आने के बाद बहुत से लोग गुमनाम हो जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनके ऊपर कोई उनको कोई जो है रिहैबिलिटेशन या कंपनसेशन नहीं मिलता है, और वो एक आम जिंदगी गुजारते हैं। तो ये सारे ही बेगुनाह नौजवानों की कहानी है जो फंसाए गए या छूट गए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है इत्तेहाद चैनल के हमारे पास से कि इस फिल्म को 27 मई से जो रिलीज हो रही है थिएटर्स में जाके देखिए, दिखाइए और इस मैसेज को लोगों तक के फैलाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद भाई।